हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ऐसा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी ठीक हैं। देखो अभी उठे हैं सो के, अभी हम सो के उठे हैं तो जस्ट अभी उठ के बैठे ही थे तो हमने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। देखो आज मेरे यहाँ लाइट कट गई थी, लाइट नहीं आ रही थी तो इसलिए हम लोग बाहर लेटे थे छत पे। पूरी रात हो गई थी तो लाइट कट गई थी इसलिए हम लोग बाहर लेटे थे। इसकी वजह से ऐसा लग रहा पूरे बदन में मेरे दर्द हो रहा है। उसके थे ना, उसकी वजह से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। और भी हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। अब जा रहे हैं हम काम करने, बर्तन धोने के बाद में, झाड़ू लगाने के बाद में, सारा काम करने के बाद में चाय बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखो अभी कोई काम नहीं हुआ, अभी जस्ट रुक के बैठे हैं। मेरी आवाज़ में बदलाव आप लोगों को लग रहा है। देखो अभी हम बैठे हैं, काम नहीं हुआ मेरा, अभी हम बैठे ही हैं। अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, बाहर लेटे थे तो ऐसा लग रहा है आलस बना है, बदन में पूरे दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है हल्की हल्की खांसी मेरे महसूस कर रही है। चलो ठीक है, अब लोग हमारे तब तक इंतजार करिए झाड़ू लगाने के, बर्तन धोने के, सारा मतलब जितना काम सुबह का है सारा करने के बाद में हम आप लोगों से मिलते हैं। अब लोग हमारा वेट करना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं लेटी हुई हूँ और मेरा चाय नाश्ता सब कुछ मेरा हो गया है और मैं लेट हुई हूँ दारू में खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ चाय बनाई थी और सब लोगों ने चाय पी लिया है। बाबू मेरे स्कूल भी चला गया है सारा काम, और तो सुबह का सारा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया था, सारा काम हो गया था, बाबू स्कूल भी चला गया था। अब बाकी मेरा काम रह गया तो मैं जा रही हूँ काम करने। अभी नहाऊँ, नहाने के बाद में खाना पानी बनाने के बाद में फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो अब जा रही हूँ हम नहाने और चाय पी के भी लेटी थी, मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन थोड़ा इधर काम थोड़ा उधर काम, छोटे छोटे काम, सारा दिन बीत जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है, कब दिन निकल गया कब क्या निकल गया। तो मैं जा रही हूँ बाद में, वैसे मैं नहाने के बाद खाना बनाऊंगी, खाना बनाने के बाद में आप लोगों से मिलूंगी। तब तक आप लोग हमारा वेट करिए। और हाँ, आज मैं बाहर लेटी थी वो उसमें से थोड़ा मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, खाम जैसे लग रहा है, यहाँ पे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सुबह जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तभी मैंने आज वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि खाना हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। तो चलो ठीक है, फिर आप लोग हमारा वेट करिए, मैं नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ओके। ये ब्लॉग हम फ्रेंड्स हाउस शूट कर रहे थे, रात के लगभग वही 6 बज रहे थे, अंधेरा हो गया था बाहर। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हम अभी खड़े हैं अपने कमरे में, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कमरा है और ये हमारे कमरे का बाहर का लोकेशन है। अभी मैं जस्ट आई थी, आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे हाथ भी गीले हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं कपड़े धुल रही थी, अभी रात में पानी आ रहा था तो मैंने सोचा कपड़े धुल लेती हूँ। कपड़े धुलने के बाद में अभी हमको खाना बनाना है और फिर हम खाना बनाएंगे और हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि मेरे यहाँ बहुत अंधेरा हो चुका है। अंधेरे में भी हम वीडियो शूट कर रहे थे, मतलब रात को शूट कर रहे थे। और इतने सारे मैंने कपड़े धोए हैं कि आप लोगों को दिखा दें, ये देखो कितने सारे मैंने कपड़े धोए हैं, बहुत यहाँ से वहाँ तक फैले हुए हैं।
और बहुत अंधेरा हो गया है। हम लोगों को ये भी दिखा देते हैं कितना अंधेरा हो गया है। ये देखो बहुत अंधेरा हो चुका है। रात को हम वीडियो अपना शूट कर रहे थे। ये हमारे बाहर की छत है और बाहर भी बहुत सारे कपड़े मैंने फैलाए हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये अंधेरा हो गया है तो दिख नहीं रहे होंगे। वैसे मैं अब जा रही हूँ अंदर और अब हम जा रहे हैं खाना बनाने और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मतलब कि मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट में बताया करो कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। क्योंकि आप लोग जैसा बताओगे मैं, मतलब जैसे कोई कमी होगी, दिक्कत होगी तो मैं और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँगी। और अब जा रही हूँ वैसे खाना बनाने और इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो अगला नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा कुछ पता नहीं है, जब भी आएगा तो आप लोगों का उसमें वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। तो बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करो। इतनी टाइम पे वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही डाउन हो चुका है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता कब सही होगा कब नहीं होगा। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। ओके।